नमस्कार, मैं हूं अनामिका गिरी। खबर दिन भर में आपका स्वागत है। अब खबरें विस्तार से। महिलाओं के बीच भाजपा का जनाधार बढ़ाने के लिए पार्टी की ओर से चलाई जा रही मुहिम की धार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पैनी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री प्रदेश में भाजपा के प्रत्येक संगठित क्षेत्र में एक नारी शक्ति वंदन सम्मेलन को संबोधित करेंगे। उनके इस अभियान की शुरुआत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से हुई है। सीएम ने 632 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। इसके बाद मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं की महिला लाभार्थियों को मंच पर बुलाया। कार्यक्रम के दौरान सीएम ने कहा कि यूपी में 2017 से पहले अराजकता थी, अब दंगाई गले में तख्ती डालकर जान की भीख मांगते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने आधी आबादी का 30 साल पुराना सपना साकार कर दिया है। महिलाओं को 33% आरक्षण देकर उन्हें मुख्य धारा में ला दिया है। पिछले 9.5 सालों में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमने नए भारत को देखा है, शक्तिशाली और वैभवशाली भारत को देखा है। उन्होंने आगे कहा कि देश के अंदर 4 करोड़ गरीब परिवारों को उनके सिर पर हमने छत दी है। उत्तर प्रदेश में अब तक 55 लाख आवास दिए जा चुके हैं, आजादी के बाद से ये वंचित रहे हैं। साथ ही देश में 12 करोड़ शौचालय और उत्तर प्रदेश में 3.25 करोड़ शौचालय माध्यम से नारी गरिमा की सुरक्षा की गई है। गौरतलब है कि आधी आबादी के बीच नारी शक्ति वंदन अधिनियम का श्रेय लेने के लिए भाजपा जहां प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में महिलाओं के लिए सम्मेलन आयोजित कर रही है। कोई व्यक्ति निवास कर रहा है, अगर आरक्षित श्रेणी की वो भूमि नहीं है तो उसको वहीं पे मकान बना। वहीं मुख्यमंत्री योगी हापुड़ में 1 घंटा 20 मिनट रहे। सीएम योगी 2 बार मुख्यमंत्री बनने के बाद 8वीं बार हापुड़ आए। सीएम का हेलीकॉप्टर दोपहर 2 बजे आनंद विहार स्थित मैदान में उतरा। 2:10 पर मुख्यमंत्री का स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को दोपहर 2 बजे हापुड़ के आनंद विहार स्थित मैदान में भाजपा के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति सम्मेलन को संबोधित करने पहुंचे थे। इस दौरान 135 करोड़ की लागत वाली 109 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। आईजी ने सभा स्थल का निरीक्षण भी किया था और सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम भी किए थे। करीब 1 घंटे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति वर्ग के सम्मेलन को संबोधित किया, साथ ही योजनाओं के लाभार्थियों को भी सम्मानित किया। कार्यक्रम स्थल की ओर जाने वाले हर रास्ते पर चौकन्नी सुरक्षा व्यवस्था रखी गई थी। आसपास के भवनों पर भी सुरक्षा कर्मी तैनात थे। भारतीय जनता पार्टी पश्चिमी क्षेत्र के तत्वाधान में आयोजित आज के अनुसूचित जाति जनजाति सम्मेलन में अपना योग्य मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए यहाँ पर पधारे भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ और योग्य प्रदेश अध्यक्ष करेगी। आरक्षित श्रेणी की भूमि होगी तो वहां पर फिर अतिरिक्त भूमि उनको दे करके उनके पुनर्वास की प्रॉपर व्यवस्था होगी, लेकिन अनुसूचित जाति जनजाति से जुड़े हुए किसी भी गरीब और वंचित को जानने का कार्य कोई भी प्रशासन और कोई भी शासन नहीं कर पाएगा। इसके लिए डॉलिंजन की सरकार आपके साथ खड़ी है। हरदोई के सवायजपुर की खाद्य सुरक्षा अधिकारी अनुराधा कुशवाहा ने क्षेत्रीय विधायक पर गाली गलौज करने और उनके साथियों पर कार की चाबी छीन लेने का आरोप लगाया है। विधायक के साथियों पर मारपीट का आरोप भी लगाया है। अनुराधा कुशवाहा ने बताया कि बीती 13 अक्टूबर को सवाजपुर में कुछ स्कूली छात्राएं मोमोज और फिंगर चिप्स खाने के बाद बीमार हो गई थी। उस दिन विभागीय कार्य से लखनऊ गई थी। एसडीएम के निर्देश पर सोमवार को वह सवाजपुर क्षेत्र में खाद्य सामग्री की दुकानों पर निरीक्षण करने और नमूना एकत्रित करने के लिए गई थी। सवाजपुर स्थित सैनी मिस्टर भंडार पर नमूना भरने की कार्रवाई कर रही थी। आरोप यह है कि इसी बीच क्षेत्रीय विधायक माधवेंद्र सिंह और उनके समर्थक वहां पहुंच गए। विधायक ने उन्हें गोली मार दी।
और विधायक ने उन्हें गाली दी और उनके साथ अभद्रता की, दरवाजा खोलकर मारने के लिए उतारने लगे ड्राइवर को। इतना ही नहीं, अनुराधा कुशवाहा के चालक अखिलेश सिंह को भी विधायक के साथ आए लोगों ने पकड़ लिया और कार की चाबी छीन ली, मारा पीटा। खाद्य सुरक्षा अधिकारी को सवायजपुर में नजर न आने की भी धमकी दी। खाद्य सुरक्षा अधिकारी का यह भी आरोप है कि विधायक के भतीजे व चार समर्थकों ने उन पर समझौता करने के लिए दबाव भी डाला है। वहीं उत्तर प्रदेश के जौनपुर के पूर्वांचल विश्वविद्यालय में फर्जी डिग्री बेचे जाने का मामला सामने आया है। हैरत की बात यह है कि फर्जी डिग्री कोई और नहीं बल्कि विश्वविद्यालय के दो कर्मचारी ही बेच रहे थे। फिलहाल फर्जीवाड़े का भंडाफोड़ हो चुका है और भंडाफोड़ होने पर परीक्षा नियंत्रक की शिकायत पर दो कर्मचारियों समेत तीन आरोपियों के खिलाफ सराय ख्वाजा थाने में FIR दर्ज कराया गया है। आपको बता दें कि जौनपुर के वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के दोनों कर्मचारियों पर आरोप है कि उन्होंने एक अन्य व्यक्ति की मदद से 40 से 50,000 रुपए में BEd और BPharma की फर्जी डिग्री बनाकर बिहार के दो छात्रों को लेकर बेच दी। इस फर्जीवाड़े का भंडाफोड़ तब हुआ जब फर्जी डिग्री खरीदने वाले बिहार के छपरा निवासी विष्णु प्रसाद चौबे और आरा निवासी रविकांत तिवारी की फर्जी डिग्री की छाया प्रति यानी फोटोकॉपी संकलन करके विश्वविद्यालय को एक शिकायती पत्र के साथ स्पीड पोस्ट में भेजा गया था। शिकायत मिलते ही विश्वविद्यालय में हड़कंप मच गया और मामले की गंभीरता को देखते हुए दोनों कर्मचारियों समेत तीन आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर दिया गया है। वहीं गाजियाबाद के लोनी प्रशासनिक अधिकारियों ने लोनी के अलग अलग इलाकों में सोमवार को प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियों पर कार्रवाई की। टीम ने 9 फैक्ट्रियों पर JCB मशीन चलाकर उन्हें ध्वस्त किया, वहीं एक तार के गोदाम को भी सील किया। कार्रवाई के दौरान संचालक मौके से फरार हो गए। SDM अरुण दीक्षित ने बताया कि क्षेत्र में लगातार प्रदूषण फैल रहा है, कई स्थानों से प्रदूषण फैलाने वालों की शिकायत मिली थी। शिकायत मिलने के बाद वह तहसीलदार, प्रदूषण विभाग, नगर पालिका और पुलिस के साथ मिलकर बेहटा हाजीपुर कॉलोनी कार्रवाई करने के लिए पहुंचे। बेहटा हाजीपुर कॉलोनी में नसीम अहमद तार को छीलकर जलाए जाने का कार्य कर रहा था। टीम ने नसीम अहमद के गोदाम को सील कर दिया है। इसके बाद टीम सेवाधाम गड्ढा कॉलोनी पहुंची। यहाँ अवैध रूप से स्क्रैप को जलाकर धातु निकालने का काम किया जा रहा था, इससे प्रदूषण फैल रहा था। यहां संचालक अवैध रूप से भट्टी लगाकर स्क्रैप को जलाते हैं। टीम ने JCB मशीन चलाकर 9 भट्टियों को ध्वस्त कर दिया। वहीं वित्त मंत्रालय ने केंद्र सरकार के कर्मियों को दीपावली के मौके पर एडहॉक बोनस देने की घोषणा की है। इसके तहत सभी पात्र कर्मियों को 30 दिन के वेतन जितनी राशि मिलेगी। केंद्र सरकार के ग्रुप बी और ग्रुप सी के अंतर्गत आने वाले अराजपत्रित कर्मचारी जो किसी प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस स्कीम के तहत नहीं आते, उन्हें भी यह बोनस दिया जाएगा। एडहॉक बोनस का फायदा केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के सभी योग्य कर्मियों को भी मिलेगा। एडहॉक बोनस के तहत जो रकम दी जाती है उसका निर्धारण करने के लिए एक नियम बनाया गया है। इस तरह के बोनस का फायदा केंद्र सरकार के उन कर्मचारियों को ही मिलेगा जो 31 मार्च 2023 को सेवा में रहे हैं। उन्होंने साल 2022-23 के दौरान कम से कम 6 महीने तक लगातार ड्यूटी दी है। वित्त मंत्रालय के आदेश में कहा गया है कि जो कर्मचारी अस्थायी तौर से एडहॉक बेस पर नियुक्त हुए हैं उन्हें भी ये बोनस मिलेगा, बशर्ते उनकी सेवा के बीच कोई ब्रेक ना रहा हो। हमास और इजराइल के बीच जंग 11वें दिन भी जारी है। दोनों तरफ से मिलाकर अब तक इस जंग में 4,200 से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। ब्रिटेन में फिलिस्तीनी मिशन के प्रमुख हुसाम जोमलाट ने कहा है कि गाजा में वास्तविक मौतों का आंकड़ा कहीं ज्यादा है, क्योंकि बचाव दल अभी तक मलबे से फंसे लोगों तक नहीं पहुंच पाए हैं।
उन्होंने इस जंग के चलते मध्य पूर्व में संघर्ष बढ़ने की आशंका भी जताई है। जो बाइडेन बुधवार को इजराइल पहुंचेंगे, इस बीच कुछ देश मध्यस्थता करने की बात कह रहे हैं। भारत, अमेरिका, ब्रिटेन और यूक्रेन जैसे कुछ देशों ने इजराइल का समर्थन किया है। अमेरिका इस जंग में बढ़ चढ़कर दिलचस्पी ले रहा है। उसके रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री इस जंग के बीच में इजराइल का दौरा कर चुके हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि हमास के क्रूर आतंकवादी हमले के सामने एकजुटता दिखाने के लिए 18 अक्टूबर को इजराइल की यात्रा भी करेंगे। वहीं समलैंगिक विवाह को वैधानिक मान्यता देने की मांग पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने देश में समलैंगिक जोड़ों को आपस में शादी करने की कानूनी मान्यता मिलेगी या नहीं, इसका निर्णय संसद पर छोड़ा है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। समलैंगिक विवाह को वैधानिक मान्यता देने की मांग पर आज सुप्रीम कोर्ट ने की सुनवाई। पिछले कुछ समय में देश भर की कई अदालतों में याचिकाएं दायर करके समलैंगिक विवाह को वैधानिक मान्यता देने की मांग की जा रही है। इस पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पर कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है। देश में समलैंगिक जोड़े को आपस में शादी करने की कानूनी मान्यता मिलेगी या नहीं, इसका निर्णय अब संसद करेगी। सुप्रीम कोर्ट में प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने मंगलवार को समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता के सवाल पर फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि वह इस मामले में कानून नहीं बना सकता, बल्कि सिर्फ इसकी व्याख्या और इन्हें लागू कर सकता है। इससे पहले समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने की मांग करने वाली याचिकाओं पर मई में 10 दिन की मैराथन सुनवाई हुई थी। 11 मई को सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने फैसला सुरक्षित रखा था। फैसले के पहले से ही समाज का एक बड़ा वर्ग समलैंगिक शादी के विरोध में खड़ा था। इसके साथ ही केंद्र ने भी इस तरह की शादी पर कड़ा विरोध जताया था। आइए अब आपको बताते हैं कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट कैसे पहुंचा। 25 नवंबर 2022 को दो समलैंगिक जोड़ों ने विशेष विवाह अधिनियम के तहत समलैंगिक विवाह को मान्यता देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जिसके बाद अदालत ने याचिका पर नोटिस जारी किया। 14 दिसंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक जोड़े द्वारा दायर एक अन्य याचिका पर नोटिस जारी किया। 6 जनवरी 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न उच्च न्यायालयों के समक्ष लंबित समलैंगिक विवाहों को कानूनी मान्यता देने की मांग वाली सभी याचिकाओं को शीर्ष अदालत में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया। 6 जनवरी 2023 को सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मुद्दे पर दिल्ली, केरल और गुजरात सहित विभिन्न उच्च न्यायालयों के समक्ष लंबित सभी याचिकाओं को स्थानांतरित कर दिया। 30 जनवरी, 10 फरवरी, 20 फरवरी और 3 मार्च 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने इसी तरह की मांग करने वाली और याचिकाओं पर नोटिस जारी किया और उन्हें मुख्य मामले से क्लब कर दिया। 12 मार्च 2023 को केंद्र ने समलैंगिक विवाह का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक हलफनामा दायर किया। 13 मार्च 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने मामले को संविधान पीठ के पास भेज दिया। 2023 को जमीयत उलमा ए हिंद ने समलैंगिक विवाहों को कानूनी मान्यता देने वाली याचिकाओं का विरोध किया। 6 अप्रैल 2023 को दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी DCPCR ने एक हस्तक्षेप आवेदन दायर किया, जिसमें समलैंगिक विवाह और समान लिंग वाले जोड़ों को गोद लेने के अधिकार का समर्थन किया गया। 15 अप्रैल 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करने के लिए 5 जजों की बेंच के गठन को अधिसूचित किया। 17 अप्रैल 2023 को केंद्र ने एक नया आवेदन दायर किया और याचिकाओं की संविधान पीठ द्वारा सुनवाई पर सवाल उठाए। वही राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR ने कई पहलुओं पर आपत्ति जताई। 11 मई 2023 को समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई पूरी कर चुकी पीठ ने 11 मई को फैसला सुरक्षित रखा था। 17 अक्टूबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट समलैंगिक विवाह को कानूनी मंजूरी देने की मांग वाली याचिकाओं पर फैसला सुनाया। समलैंगिक विवाह को लेकर अभी क्या हुआ है?
11 मई को सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने ऐसी 20 याचिकाओं की सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था। शीर्ष अदालत के समक्ष याचिकाओं में विशेष विवाह अधिनियम, विदेशी विवाह अधिनियम और हिंदू विवाह अधिनियम सहित विभिन्न अधिनियमों के तहत समान लिंग विवाह को मान्यता देने की मांग की गई थी। कितने देशों में समलैंगिकता है वैध? आपको बता दें, दुनिया में अभी 33 ऐसे देश हैं जहां समलैंगिक विवाह को कानूनी मंजूरी मिली हुई है। समलैंगिक विवाह को मंजूरी देने वाला सबसे पहला देश नीदरलैंड बना। कितने देशों में समलैंगिकता अवैध है? एक रिपोर्ट के मुताबिक कम से कम 5 अन्य देशों, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, संयुक्त अरब अमीरात, कतर और मारिटानिया में शरिया अदालतों के तहत समलैंगिक संबंधों पर मौत की सजा तक दी जा सकती है। ईरान, सोमालिया और उत्तरी नाइजीरिया के कुछ हिस्सों में भी यह बात लागू होती है। वहीं 71 देशों में समान लिंग संबंध अप्राकृतिक संबंध कानूनों के तहत विभिन्न प्रकार के अपराध की श्रेणी में आते हैं। इन सभी देशों में समलैंगिक संबंधों पर जेल की सजा हो सकती है। वहीं भारत में सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक शादियों को कानूनी मान्यता देने या नहीं देने का अधिकार देश की संसद को बताया। बहरहाल संसद में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार है जो लगातार इसका विरोध करती रही है। अगर सरकार के रुख के हिसाब से देखें तो यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरकार देश में समलैंगिक शादियों को वैधानिक नहीं बनाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रतिदिन टाइम। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के मैच नंबर 15 में नीदरलैंड और साउथ अफ्रीका के बीच भिड़ंत हुई। यह मुकाबला धर्मशाला में खेला गया, जहां नीदरलैंड्स ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अफ्रीकी टीम को 246 रनों का टारगेट दिया था, जिसके जवाब में साउथ अफ्रीका ने 10 विकेट खोकर 207 रन ही बना पाई, जिससे नीदरलैंड्स ने साउथ अफ्रीका को 38 रनों से करारी मात देकर मैच को अपने नाम कर लिया। So impressive. Captain. Another...